को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। मैं आ गया, कांग्रेस को देना चाहिए पहले मौका, कांग्रेस मैं बड़े आराम से फिर शैलेंद्र जी के पास आऊंगा। तसल्ली रखिए, आपका शो जो है नरगिस भी देख रही हैं और जो सब अफगानिस्तान तक लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा तसल्ली रखिए। चावला साहब मैं आया आपसे, मैं आपसे भी आज बात करूंगा। पहले चावला साहब मैं आपकी एक लंबी बीमारी से उठने के बाद कभी कभी शो में आ जाते हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर। टॉनिक हो सर, अगर आपका शो नहीं देखे तो रात में नींद ही नहीं आती। रात में नींद नहीं आती, देखिए साहब नींद की दवा हूं मैं। आया जी कांग्रेस, एक अकेला सब पे भारी, अब कैसे आ गई वे 38 की बारी, कहां से इकट्ठा कर लिए, क्यों हाथ जोड़ जोड़ के लेके आ रहे। 24 पार्टी तो ऐसी है जिनके पास एमपी नहीं है, जिनके पास एमपी नहीं है। इतने बुरे हालात एनडीए के आ गए हैं कि अब एनडीए को वापिस आए, 9 साल में एक मीटिंग एनडीए की नहीं हुई, लेकिन अब जिस दिन हमारी मीटिंग थी, इंडिया की मीटिंग थी, उसी दिन एनडीए को मीटिंग करनी पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी का जो मैजिक है वो पूरी तरह से फेल हो गया है, और भारत ने, इंडिया ने ये साबित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि आप जो जीतेगा तो इंडिया जीतेगा, एनडीए नहीं जीतेगा। जी जी फाइन फाइन, तो मैं आया जी। भाई देखो ऐसे करोगे, मैं भी अकेला ही हूँ, नहीं नहीं मैं भारी हारी नहीं हूँ, महक महक 78 किलो हूँ, भारी नहीं हूँ मैं, चुपचाप खड़े रहो जी। बिल्कुल जी बोलिए। ये वो इंडिया की बात कर रहे हैं, मेरी देश की जनता ये देख रही है। आज भारत की जनता को ये फैसला करना पड़ेगा कि जो संविधान का गला घोट करके साहबानों के केस में देश के लोकतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, जिसने न्यायालय उस साहबानों को जो है देश न्याय दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में जाकर के सरिया लागू करने वाले इंडिया की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात लोकतंत्र की गला घोटने वाली कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र की बात कर रही है। भारत की जनता को यह समझना पड़ेगा। एक मिनट, आप थोड़ा सा देखिए, आप बोलने दीजिए, उसके बाद सुनिए। मैं प्रतीक भाई मुझे लग रहा है इंडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे बहुत भारी पड़ रहा है। भाई राहुल गांधी ने जो फसल लगाई थी वो मोहब्बत की फसल लगाई थी, और 2024 में वो बहुत लहलहा करके आगे जाने वाली है, और उससे पहले अभी अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सेमीफाइनल बाकी है, मोहब्बत जीतेगी और 2024 में इंडिया जीत करके रहेगा। मैं एक बात, मोहब्बत जीते और जीते ही मोहब्बत मैं ये चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज डिबेट का डेकोरम बनाए रहिए, और जो जहां पे मौजूद है उसे एक दो कदम आगे पीछे जरूर कर लीजिए, लेकिन जिसको सीखना हो वो शैलेंद्र जी से सीखेगी कि धैर्य के साथ काक चेष्टा बको ध्यानम, वहीं खड़े हैं उसी जगह तपस्या कर रहे हैं, मैं आऊंगा उसी जगह जी। जनाब आली आगे आइए, बस मांदा जी। भारत माता की, भारत माता की। मैं प्रतीक जी, आज मैं मोदी जी को सलाम करना चाहता हूँ कि शायद इन 9 वर्षों में मेरा समाज जो 70 वर्षों में एक वक्त की रोटी से तरसता था, आज मेरा समाज 2 वक्त की रोटी भी खा रहा है और धन इकट्ठा कर रहा है। कैसे मैं बताता हूँ, ईंट पाथने वाला, लकड़ी से काम करने वाला, कपड़े बुनने वाला, कपड़े धोने वाला, और भटियारा जो अनाज भूनता था आज उसके लिए योजना लेकर आया है। आज मेरा समाज कहीं ना कहीं 10% ऊपर आ गया है, 70 वर्षों में चला गया था खड्डे में, आज 10% ऊपर आ गया है, 35% लाभ मिलता है मेरे समाज को, पसमानता समाज 24 में मोदी जी को तीसरी बार बनाएगा। और मैं दावे से कह देता हूँ, मोदी जी को हराने वाले कोई नहीं है, तो इस देश का पसमानदा ने मन बना लिया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इनसे पूछिए माइनॉरिटी का बजट क्यों काट लिया गया, इनसे पूछिए जो बच्चों को जो कबड्डी खेलो, सुनिए एजुकेशन का बजट काटा गया। डिबेट करने आते हो या कबड्डी का खेल खेलने आते हो? इनसे पूछिए एजुकेशन का बजट क्यों काटा गया, इनसे पूछिए स्वास्थ्य का बजट क्यों काटा गया, इनसे पूछिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों काटी गई, इनसे पूछिए पढ़ो प्रदेश करके स्कॉलरशिप क्यों काटी गई, तमाम ऐसी। और पासमानदा समाज की बात करते हैं, बिल्किस बानो की याद नहीं आई, ज़किया जाफरी की याद नहीं आई इनको। जी स्वास्थ्य का बजट काटा नहीं गया। देखिए मैं बताता हूँ, जवाब भाई अच्छा विश्लेषण करते, थोड़ी सी चूक रह गई, बाकायदा स्वास्थ्य से लेकर कृषि से लेकर सबका
फाइनेंशियल बजट बढ़ाया गया है, न केवल फाइनेंशियली दृष्टिकोण से सीट से भी। और दूसरी बात, इंडिया का इन्होंने जब प्रेस रिलीज किया था तो गौर से सुनिएगा, कई जगह इन्होंने मेंशन किया है I.N.D.I.A, अर्थात मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ, मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ, मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ, सब एक दूसरे को फुल स्टॉप लगा रहे हैं केवल सत्ता सुख के लिए। और मोदी जी ने बहुत खूब कहा, एनडीए के लिए नेशन फर्स्ट है, यूपीए और ये जो इन डॉट डीडिया कर रहे हैं इनके लिए पर्यावरण फर्स्ट है, इनके लिए फैमिली। स्वास्थ्य का बजट क्योंकि कल ही पढ़ रहा था, कुछ लेख पढ़ रहा था, तो 5.5 लाख करोड़ खर्च करते हैं, 5.5 लाख करोड़, बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा होना चाहिए, स्वास्थ्य का बजट ज्यादा होना चाहिए, मैं इसका पैरोकार हूँ। कहाँ से आना हुआ सर? मैं बिहार से। बिहार में कहाँ से? वैशाली डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध के धरती से आया। अरे हे, तो कुछ बोलोगे कि बस ध्यान में रहोगे? सर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सर ये जो अभी के जो हमारा जो माहौल है इसमें तीन चीज बहुत जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान, ये पहले तीन चीज के बाद। तुम्हारी उम्र क्या है? 34 साल। और 34 साल, तो इनकी पैदाइश हुई होगी लगभग 80 के आसपास, 80 के नवासी में हुई जी। लेकिन हम तुमसे पहले के पैदा है जी, जी। उस समय भी एक नारा आया था, रोटी कपड़ा और मकान, आदरणीय रामविलास पासवान जी का नारा था जब। ना 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 ना, उससे भी पहले का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान। देखिए कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाने की पहल की है, कितने देश में मध्यावी चरण दिए हैं, हरदन अली देवगौड़ा किसने सरकार घेरी, और चंद्रशेखर की सरकार की किसने घेरी, और जो घेरी मतलब घेरी मतलब जो ये कहते हैं घेराई। अरे भाई हमको बताना पड़ा, हिंदुस्तान में कई लोग हैं ना देखते हैं प्रोग्राम, घेरी मतलब ये यही के रहने वाले हैं दिल्ली के। इतनी सरकारें गिराकर जनता ने मन बनाया, 140 करोड़ जनता ने, और जो एनडीए की बात करते हैं 2014 में हरप्रीत बादल राज्य मंत्री कृषि मंत्री बनाई थी, एनडीए घटक दल से बनाई थी 2014 में। मैं ये सब समझ लूंगा, ये सब हम समझ लेंगे, ये सारे लोग आए हैं। हम ये सब समझ लेंगे, मुझे सिर्फ एक बात पूछनी तुमसे, नाम क्या याद भूल गया मैं? पंकज भारद्वाज। पंकज भारद्वाज, क्या बजे यहाँ आ जाते हो कनॉट प्लेस में? मैं सर सुबह आता हूँ, LIC में काम करता हूँ। हाँ। और जब फ्री हो जाता हूँ आपका शो देखता हूँ। हाँ। और यहाँ पे जमेट कर जाओ। मुझे ये बताओ घर में सब कुछ थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? देखिए घर पे मम्मी पापा 38 परिवार है, 38 लोग हैं उसमें, मैं भी 38 हैं, इकट्ठे रहते हैं चार दीवारी के अंदर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा ध्यान वहाँ ज्यादा लगाओ, और यहाँ दिमाग में लगाने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये राजनीति का शौक है बचपन से, फादर ने ऑटो चला के पढ़ाया है और राजनीति में आगे बढ़ाया आप लोगों ने, आपने बिठाने का मजबूरी आपका। तो ये जो लोग हैं ना इनसे होशियार रहो। नरगिस अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा, कुछ बोलने का मन हुआ? अच्छा तो लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहे हैं। डर लग रहे हैं तो तुम डर लगने की कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ अंदर, उनका उनकी तरह कुछ नहीं करेंगे सब ठीक है। आपको तो डर नहीं लग रहा, नरगिस की तरह खड़े हो, डर तो नहीं लग रहा? अरे डर किस बात की, देखो इतना डर नहीं लग रहा नरगिस। तो आप एक बात बोलिए, वक्त है, बोलिए वक्त है, वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक का, अब आगे आइए, कहिए वक्त है छोटे से।